भैया वो गुंडा लोग आपको नहीं मिले थे? वो गुंडा लोग है ना हम पर हमला किए थे, और भैया सृष्टि जी को है ना बहुत ही चोट लगी है। वैसे चोट तो हमको भी लगी है, पर ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। ई फूकनी के आगे बड़े बड़े के ताव ठंडे हो जाते हैं। आज दिखाते हैं हम इसका कमाल। मुझे माफ कर दो विशु, मुझे ऐसे तुम लोगों को अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। साला कुछ तो छोड़े, हम जितना सोचे थे ये मामला उससे कुछ ज्यादा ही बड़ा। सृष्टि आई हो क्या? देवर जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब हम आ गए हैं ना। पता है वो जो गुंडा लोग थे ना वो हम पे भी हमला किए थे, लेकिन हमारे मिस्टर ने सबको पछाड़ दिया। उनको भी लगा, लेकिन इतना तो चलता है ना। इन गुंडों का कोई भरोसा नहीं है, ये फिर से हमारे पीछे आ सकते हैं। आई थिंक हम लोगों को पुलिस में कंप्लेंट कर देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप इस बात के लिए पुलिस को काहे परेशान कर रहे हैं? हम अभी ही बाबूजी को फोन लगाते हैं ना। आप देखना इन सब गुंडों का ना तेल निकाल देंगे। नेटवर्क नहीं आ रहा है का? एक तो हमें ई समझे में नहीं आता है कि जहां नेटवर्क ही नहीं होता है वहां ये लोग मंदिर काहे बना देते। ससुरा, हमें लगता है इसके पीछे मुखियाइन है। अगर ऐसा है तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। आई थिंक यू राइट। लेकिन इस नेटवर्क का क्या करें? शायद मंदिर के अंदर लैंडलाइन हो। हाँ, मैं एक बार जाके चेक करके आता हूँ। अभी महारानी कहेंगी तो हमारे मिस्टर जरूर पता करेंगे, और इनका खून बह जाएगा लेकिन कानून नहीं छूटेगा। दिखाइए, ज्यादा लग गया का? बहुत ज्यादा लग गया। पहले इनको चारों तरफ से घेर लो, आज कोई गलती नहीं होना चाहिए। एक तुम लोग उधर घेरो रे, और तू चल मेरे साथ इधर आ जाओ। जय माता रानी, जय माता रानी। पंडित जी वो हम लोग जरा कुछ प्रॉब्लम में है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई लैंडलाइन मिलेगा? बेटा यहाँ की लैंडलाइन खराब है, लेकिन मोबाइल का नेटवर्क आता जाता रहता है, थोड़ा प्रयास करने पर बात हो जाती है। वैसे माता रानी के दरबार में हर समस्या का हल है, आज तक यहाँ से कोई निराश नहीं लौटा है। आप हवन कुंड की विधि पूरा करके माता रानी का दर्शन कीजिए, सब बाधा दूर हो जाएगी। जी नमस्ते जी। हरामखोरों, लगता है तुम्हारा लात खा के ना मन नहीं भर है। तेरी तो ए! बस चल अब शांति से खड़ी रह, बहुत दिखा ली तूने अपनी जोर जबरदस्ती। हमें ताव दिखाने के लिए ना ये बंदूक का जरूरत नहीं पड़ता है, और तू जिस दम पे उछल रहा है ना उसके साथ हम बचपन से खेले। तेरी सुने हैं बहुत ऐड दिखा रही थी हमारे लोगों को, असली मर्द देखना चाहती थी ना, तो देख हमें, हम दिखाते हैं तुझे मर्दानगी।
बहुत हो गया तुम्हारा हीरोगिरी, अब तुम सब मरोगे। हीरोगिरी आता नहीं लेकिन ये कूदेंगे जरूर, अब क्या करें हम? क्या हुआ? सारा हेगड़ी निकल गया? चलो अभी हम लोग तुमको हवन करवाते हैं। तो काम करने आए ना वो पूरा कर लो, पूजा पाठ करके ऊपर जाओगे तो थोड़ा पाप कट जाएगा तुम्हारा। लेके चलो। खुशखबरी मुखिया इनको देते हैं। सारा अभी सिर्फ कानून वाली का ही समझते। इच्छा पूर्ति मैया की जय।
पास ना आना। लगा इनको लाइन पर। सीधा खड़ा। हम अपने मिस्टर से बंदूक ना उठाने का प्रॉमिस किए। मैं तो तुझ जैसा चिड़ी का गुलाम ना हुकुमगी बेगम के सामने खड़ा नहीं रहता। क्या बोल रहा था कि तू मर्द है? अरे मर्द और मर्दानगी का फर्क समझाते तेरे को अभी। तू मर्द जरूर है लेकिन तेरे अंदर ना मर्दानगी नहीं है। ससुरा मेरा मन कर रहा है ना तुम सबको जान से मार दे, लेकिन हम एक बात समझ लिए हैं कि तुम सब बंदरों का असली मदारी ना वो मुखियाइन है। पराग भैया ई मेन कुत्ता है, इसको पकड़ के रखो। चल अरे आओ लल्ला आओ। और इन बाकी बंदरों को ना मुर्गा बना और कई दो इन मुर्गों से की जाके कई दे अपनी मुखियाइन से कि उसका जो टाइम है ना चल बनो। अबे काम करो ऐसे ही मुर्गा बने बने निकलो यहाँ से। हे जीजा जी, आप लोगों को अगर पूजा पाठ करना है तो आप लोग कर सकते हैं। काहे कि वैसे भी सिचुएशन पूरा अंडर कंट्रोल है हमारे। नहीं नहीं, हम सब लोग घर जाएंगे, वैसे भी सबको बहुत चोट लग चुकी है। चलो रुकिए रुकिए, आप लोग ऐसे मत जाइए। इतना कुछ होने के बाद भी आप लोग सुरक्षित हैं, ये माता का चमत्कार है। अग्निकुंड में स्वयं अग्नि प्रज्वलित हो गई, यह एक अच्छा संकेत है। इच्छापूर्ति माता भी चाहते हैं कि आप लोग हवन कुंड की विधि पूरा करके जाएं। हाँ तो ये ठीक है ना, हम मैकेनिक को बुला दिए हैं और वो गाड़ी बनवा के अपना लेके आता ही होगा। वैसे भी हमको लल्ला के साथ थोड़ा सा बात करना है। क्या कहते हैं नारद, इंटोगेशन। बिल्कुल सही जीजा जी, इंटोगेशन। चले बे इनको प्लीज पुलिस के हवाले कर दो। आओ बे, थोड़ा सा तुमसे भी वार्तालाप करते हैं। ठीक है आओ, अब हवन प्रारंभ करें। आइए आइए बैठिए, दो जोड़ी इधर बैठ जाइए, दो जोड़ी इधर बैठ जाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ये धूप लकड़ी को हवन कुंड में डालिए, लीजिए आप भी जाइए हवन कुंड में डालिए। डरिए मत, आप भूल गए, आपने गांठ बांधी थी आग से नहीं डरने के लिए। दिव्या कहाँ हुआ, फोन लगा के नहीं? इन मंदिर के चक्कर में लोग फोन काहे बंद करके रखा है? अब कहीं सिनेमा देखने तो नहीं गए ये लोग? काहे कि हम भी ऐसा ही बहाना बना के सिनेमा देखने जाते थे, ताकि
पूरा पिक्चर हम कभी देखे नहीं है पुआ के अम्मा। वो का है इतना ना खराब बनता है भोजपुरी फिल्म आजकल के हम बीचे में उठ के आ जाते थे। अरे अम्मा जी, जब से बिकराल सिंह जी का और फक्कड़ वकील का फोन आया ना, हम तो टेंशन में आ गया है। ओम दीपम धूपम समर्पयामि स्वाहा। अभी धूप डाली। ओम ये रक्षा सूत्र आप दोनों बारी बारी से माता के त्रिशूल में बांधिए, लीजिए। आप भी लीजिए। चलिए ये विधि पूरी हुई। हाँ, अब आप लोग अपने जख्म साफ कर लीजिए, फिर आगे की विधि के लिए हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। ये लीजिए। यहाँ तो नेटवर्क नहीं था, फोन कहाँ से आ रहा है? हेलो 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 भैया, फोन ही नहीं लग रहा है। कब से फोन लगा रहे हैं, किधर है आप लोग? हाँ दिव्या, हम लोग इधर मंदिर में पहुंच चुके हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, फोन कभी भी कट सकता है। हम लोग ठीक से मंदिर पहुंच गए हैं और हम लोग दर्शन करके आएंगे। और मेरी बात, हेलो हेलो दिव्या, हेलो 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 दिव्या, हेलो हेलो। अरे क्या कह रहा है वो? मम्मी वहां का नेटवर्क खराब है, वो लोग मंदिर पहुंच गए हैं। चलो भगवान का शुक्र है, नहीं तो हमारा मन तो बहुत ही घबरा रहा था। हमें क्या लग रहा है पुआ कि लोग मंदिर नहीं चित्र मंदिर गया है, कहे कि सिनेमा हॉल में ही सिग्नल नहीं मिलता है। दुलरिया, जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो हमारा दिमाग खराब कर देता है, इसलिए ज्यादा मत चलाओ। जाओ जाओ, हमारे लिए पानी ले आओ। हाँ हम लेकर आते हैं। कुछ भी बोलती रहती है लड़के। लाइए। आइए हम साफ करके दवा लगा देते हैं। नहीं, ठीक है। चुप करके बैठिए और लगाने दीजिए हमें। दीजिए। अब आपका पट्टी हो गया। सृष्टि जी, हमको एक बारी को लग रहा था कि हम गुंडों से जीत नहीं पाएंगे। हमें भी यही लगा था, लेकिन आपकी भाभी बहुत बहादुरी से लड़ी उन गुंडों से।
सो तो है। हो गया, चलो विशु मंदिर चलते हैं। ठीक है, हम अपने मिस्टर को जीतने का पहला पड़ाव पार कर चुके हैं और तुम देखती रहना, हम उनको अपना बना के ही रहेंगे, वो भी बहुत तेज जल्द।